यार बच्चों, आज मैं हुआ घनश्याम विषय हिंदी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक पाठ को पढ़ने जा रहा हूं। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी की विशद व्याख्या करनी चाहिए, उसके संबंध में आनी चाहिए कि तुलसीदास कौन थे, उनका व्यक्तित्व तो कैसा था। जिस तरह सदयुग में भगवान विष्णु की सेवा में देवर्षि नारद जी रहा करते थे, विश्वामित्र जी की सेवा में श्री राम जी रहा करते थे, श्री राम जी की सेवा में हनुमान जी रहा करते थे, द्वापर में संदीपनी मुनि की सेवा में कृष्ण जी रहा करते थे, कृष्ण जी की सेवा में उद्धव जी रहा करते थे, गुरु नानक देव जी की सेवा में अंगद जी रहा करते थे, संत चरणदास जी की सेवा में सहजबाई एवं दयाबाई रहा करती थी, रामकृष्ण परमहंस की सेवा में विवेकानंद जी रहा करते थे, रामदास जी की सेवा में छत्रपति शिवाजी रहा करते थे, उसी प्रकार नरहरी दास जी की सेवा में हमारे परम संत तुलसीदास जी रहा करते थे। हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि में तुलसीदास जी का स्थान सर्वोपरि है। तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में बागा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। जन्म के बारे में संदिग्ध है, कुछ लोग जो है कुछ विद्वान कुछ बताते हैं, खैर जो भी हो, इनके पिता का नाम आत्मराम दुबे, माता का नाम फुलसी देवी थी। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की उसकी मां थी। लेकिन विधि का विधान नहीं कहा जा सकता। शैशवा काल में ही इनके पिता और इनकी माता का देहावसान हो जाता है। मरने के उपरांत देखभाल चुनिया नामक दासी करती है, उसका लालन पोषण प्यार दुलार उसे चुनिया नामकाशी से मिलती। कुछ जब बड़े हो जाते
जाती हैं, तो इसकी शादी पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्ना हुई। यौवन का उन्माद उसे घेरे रहा है, एक बार की बात है कि इसकी पत्नी मायके चली गई थी। यौवन का उन्माद उसे सताने लगी, वह क्या करता है? यही सावन और महीनों का समय था, बिजली की कड़कड़ाहट और मेघों की गड़गड़ाहट हो रही थी और वर्षा की झमझमाहट भी हो रही थी, लेकिन वैसी विकट परिस्थिति में भी वो घर से निकल जाते हैं अपनी प्रियसी से मिलने के लिए। उफनाती बलखाती नदी को पार करके वो अपनी पत्नी के पास जा पहुंचती। उसकी पत्नी अट्टालिका परसोई हुई थी, कठोर फटकार लगाती है, कहती है कि आपको लाज नहीं लगती, शर्म नहीं आती, यह हर मनुष्य का बना हुआ शरीर से जितना आपको मोहब्बत है, प्यार है, थोड़ा सा विक्रम प्रभु परमात्मा से अगर आप प्यार करते तो आपका बेड़ा पार हो जाता, धिक्कार है, यहां से आप चले जाइए, मेरे शरीर को आप छू नहीं सकते। बस क्या उसके शरीर में लगा कि करंट की धारा प्रवाहित हो गई है, कुछ बोल नहीं पाई। तत्क्षण वहां से निकल गए। और चले गए उसने भ्रमण किया और उसने कठोर साधना की। साधना के उपरांत उसे आत्म साक्षात्कार हो गया, जिसको आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए कुछ बाकी नहीं रहता है, सब कुछ मिल जाता है। तो किसी संत ने अच्छा ही कहा है कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। तो खोजने की क्या प्रक्रिया है? दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में सुन सुन अंतर में खोजना, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने ही खोजना। आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद नरहरि दास की प्रेरणा से मिली जीवन में, उनके जो गुरु थे नरहरि दास जी, उनसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली कि आप रामचरित मानस की रचना लिखिए। गुरु में बहुत शक्ति होती है,
ईश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत् पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नौ द्वार नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, जो करता करी न सके गुरु करे सो होई। ऐसी गुरु की महत्ता है, तो उनसे उनको प्रेरणा मिली कि आप मानस की रचना कीजिए। मानस की रचना वो करने लगे, मानस की रचना करने में उनको 2.5 वर्ष लग गए। 1631 ईस्वी उन्होंने रामचरित मानस की रचना प्रारंभ की और उसको 2.5 वर्ष का समय लगा। पूरा रामचरित मानस 2.5 वर्ष समय में वो जो है बिल्कुल तैयार करके अपने गुरु के पक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। तो ये रामचरित मानस जिस दृष्टि से आप अवलोकन करेंगे, जिस दृष्टि से इनको आप देखेंगे, चाहे पारिवारिक दृष्टि से देखिए, सामाजिक दृष्टि से देखिए, राजनीतिक दृष्टि से देखिए, जिस रूप में आप देखना चाहेंगे उस रूप में आप देख सकते हैं। अध्ययन के उपरांत इसके संबंध में यह उक्ति चरितार्थ है, संवत 1631 संवत 1631 करहूं कथा हरिपद घरि सीसा, नौमि भौम भारत घुमासा, अवध प्रिय चरित प्रकाशा। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की ही रचना नहीं की, बल्कि 37 ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। और अभी प्रमाणित उनके ग्रंथ 12 अभी हैं, मौजूद है। तो कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने की थी? सबसे पहले रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान चालीसा इत्यादि। तुलसीदास जी का काव्य समन्वय की विराट भूमि है। उसके जीवन में हर्ष विषाद, उत्थान पतन, सुख दुख, हर्ष विषाद, राम विराग का सुंदर समन्वय उनकी कृति रामचरित मानस में हुई है। आज हमारे बीच नहीं है,
आज ये हमारे बीच नहीं है। यानी उसकी मृत्यु 1680 में हो गई, लेकिन उसकी कृति, उनका यश हमें देखने को मिल रहा है। जब तक सूरज और तारे और ये पृथ्वी रहेगी, उसका नाम और उसकी अमरवाणी हमेशा गुंजन करती रहेगी। जो आया है सो जाएंगे, राजा बन जाएंगे, एक सिंहासन चले चले एक बंदी जाकर जंजीर। बहुत लोग कहते हैं कि मरना तो सबको है, जाना तो सबको है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जाना तो सबको है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, लेकिन मूड व्यक्ति करती है, अरे खा पी लो, मौज कर लो, यश कर लो, जाना है सब जा गए हैं, हम भी चले जाएंगे। लेकिन जाना जाना में अंतर है। आध्यात्मिक दृष्टि से अवलोकन करने पर हम इस बात पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक बंधी जात जंजीर, आया है सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले। कोई सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे, और किसी को कांटे और कुसे में घसीटते हुए ले जाएगा। ये कोई जो है बात हिसाब कहानी नहीं है, ये बात रियल है, वास्तविक है। आध्यात्मिक पुस्तकों को अवलोकन करने पर ये सारी बात समझ में आती है। अगर सत्यता नहीं रहती तो पृथ्वी रसातल को चली जाती। सत्य है ये, ध्रुव सत्य है, लेकिन जाना सबको है। एक अच्छा कर्म करके लोग जाते हैं, कोई बुरी कर्म करके जाते हैं। जो जैसा कर्म करते हैं वो वैसे उसके लिए जगह वहां बनी हुई है। ये आध्यात्मिक पुस्तकें बताती है, प्रकृति के लिए नियम है, आया है सो जाएंगे, प्रकृति का यह नियम है, कोदन के पीछे गायन है। पहले रोया करता है नव, तब इंद्र धनुष छाता है, सुख दुख राग द्वेष उत्थान पतन मिलन विरह, ये तो जीवन में आते ही रहते, लेकिन सबों को झेलते हुए शांत चित्त होकर के हमें ईश्वर को याद करनी है, उसका ध्यान करना है, सात्विक दृष्टि से उनको अवलोकन करना है, तभी परम गति मिल सकती है, एक अच्छी जगह मिल सकती है। यही थोड़ा समय में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। अब इनकी जो रची हुई जो कविता है, अब
उसके बारे में हम लोग जो है शालीनता के साथ श्रवण करेंगे। उसकी लिखी हुई कविता है नाथ संबोधन भंज निहारा हो रही के एक दास तुम्हारा आय सु कहा कही है कि न मोही सुन ही रिसाय बोले मुनि कोई सेवक सो जो कर से बताई हरि करन कर करी लड़ाई सुनहु राम जेहि शिव धन तोरा सहस बाहु सम सोरि पुमोरा सो भी लगाऊं बिहाई समाज नौ तो मार जहि सब राजा मुनि सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने बोले पर सुधरहि अवमाने बहुधन भी तोरी लरिकाई कबहुन असिर सकी न गुसाई यही धन पर ममता देहि हेतु सुनि रिसाय कह भृग कुल केतु रे नृप बालक काल बसर बोलत तोहि न संभार धनमी सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। प्रस्तुत ये पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से संग्रहित की गई है। इस पद्य में हमारे तुलसीदास जी ने बताने का प्रयास किया है कि जनक नंदनी सीता उनके पिता जनक जी मिथिला के राजा थे और उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि इस शिव धनुष को जो कोई तोड़ डालेंगे यानी स्वयंवर रचाया गया था प्रतिज्ञा की थी कि शिव धनुष को जो कोई तोड़ डालेंगे हमारी सीता का विवाह उसी के साथ संपन्न कर दिया जाए। भगवान श्री राम ने और वह शिव धनुष साधारण नहीं था लेकिन भगवान श्री राम ने उस धनुष को खेल खेल में उठा लिया प्रत्यंचा पर चढ़ाया किसी ने देखा भी नहीं तोड़ डाला। तोड़ने के उपरांत बहुत जोर से गर्जना हुई धरती में कंपन हो गई सारे जीव जंतु अपनाने लगे व्याकुल हो गए। फिर वो पति परशुराम जी क्रोधित हो गए कि शिव जी के धनुष को किसने खंडन कर दिया। क्रोधित हो गए तब भगवान श्री राम जी बोले कि कोई आपका ही सेवक होगा परशुराम जी आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं आपको तो क्रोधित नहीं होना चाहिए वो तो आपका ही कोई सेवक होगा। का जिसने इस धनुष को तोड़ा है
वह सहस्त्र बाहू के समान वह मेरा शत्रु है। जल्द से जल्द इस समाज को छोड़ करके वो अलग हो जाएं। तब लक्ष्मण जी जो है मुस्कुराने लगे, कहा परशुराम जी हमारे प्रभु श्री राम को ऐसे कोई दोष नहीं है। अरे वो धनुष तो पुराना होगा, कई वर्षों से पड़ा होगा, उसको स्पर्श ही किया कि टूट करके चकनाचूर हो गया, तो हमारे श्री राम का क्या दोष है। और क्रोधी आवेश में आ गई, क्या तुम बकबक करते हो, चुप रहो। कहे महाराज इसमें बकबक की क्या बात है, वो तो पुराना ही धनुष होगा जो कि खंडित हो गया, तो हमारे प्रभु का इसमें क्या कोई गलती है क्या। पूरा आवेश में आ गई, का सेवा वही है जो सेवक का वो भाव करे। सो बिलगांव बिहारी समाज का उसे समाज से अलग रहना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण जी बोले कि हे परशुराम जी आप क्रोधित क्यों मत कर रहे हैं, ऐसा ऐसा धनुष को हम बचपन में कितना ही तोड़ डाले हैं, और ये जो धनुष श्री राम जी ने तोड़ डाले तो इसमें आपको क्यों मोह हो रहा है, क्या आपके साथ इस धनुष के साथ मोह था जो कि आप इतना जो है क्रोधित हो रही हैं। मैंने बचपन में सारे कई धनुषों को तोड़ डाला लेकिन आपने कभी कोई ऐसा क्रोध नहीं किया। अरे बालक शांत रहो, चुप रहो, तुम्हारा काल जो है उमड़ रहा है, तुम काल के गाल में समा जाओगे, बकबक मत करो। कहा बकबक की क्या बात है महाराज, हमारी तो गलती नहीं है, अब हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का ही कोई दोष है। यही थोड़ा सा कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।